हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कुछ अलग करके दिखाऊंगा, डिसअसेंबलिंग करके दिखाऊंगा। आज हम लोगों में से बहुत लोगों को ये बहुत उत्सुकता होती है जानने के लिए कि आखिर इस चीज़ के अंदर है क्या और इसे कैसे बनाया गया है। तो चलिए हम इसे डिसअसेंबलिंग करके, मैं इसे कबाड़ में से ख़रीद कर लाया हूँ। तो वैसे तो मुझे ये 5 रुपये 6 रुपये में मिल गया है। आपको भी चाहे तो आप नज़दीकी कबाड़ी वाले से जाकर के ऐसा कुछ खरीद सकते हैं जिसकी डिसअसेंबलिंग कर सके। तो मैंने इसे ख़रीद लिया है और इसके ब्लेड को हटा लिया है। अब इसमें 2 स्क्रू है, जो स्क्रू को मैं अनस्क्रू कर रहा हूँ और अनस्क्रू करने के बाद मैं इसे खोलकर आपको दिखाता हूँ। इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे नए नए वीडियोस जो भी आएँ उसके आपको नोटिफिकेशन पहले ही आपको मिल जाए। बेल आइकन ज़रूर दबा दें और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें। यदि मुझे लगा कि ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसके साथ मैं इसे सबके साथ शेयर कर सकता हूँ तो मैं आपके जवाब ज़रूर दूँगा। और ये देखिए, मैंने यहाँ 2 क्लिप देख रहे हैं, 2 क्लिप 3 क्लिप मैंने इसे देख रहा हूँ। तो मैं इसे क्लिप को हल्का सा थोड़ा सा मोड़ दूर देता हूँ और इसे मैं फटाफट खोल लेता हूँ। और ये देखिए, मैंने इसे खोल लिया है। ये किसी तरह का एक प्लास्टिक लगा हुआ है और इसके ऊपर रबड़ का ये बटन है, और ये रबड़ का बटन है जिसे मैं अब इसके प्लास्टिक को भी हटा देता हूँ। ये पूरी तरह से बाहर आ गया है, अब इसके प्लास्टिक को हटा देता हूँ। प्लास्टिक को मैंने हटा दिया है और ये देखिए, अंदर में छोटे वाले सेल लगे हुए हैं और ये जो है बाहर से मैं इसे चार्ज देने को कोशिश कर रहा हूँ, यानी कि ये चार्ज नहीं ले रहा है। इसका मतलब है इस किट में प्रॉब्लम है, इसलिए ये फेंका गया है। और मैं इसे ज़्यादा तो कुछ खास नहीं, मैं इसके मोटर और इसके बैटरी को इस्तेमाल कर सकता हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और इसी तरह के डिसअसेंबलिंग वीडियोज़ मैं और भी